22 कैंडिडेटों में और कोई दिखाई नहीं देता विरोधियों को, केवल सुरेंद्र सरपंच दिखाई देता है। अच्छा हाँ, और विरोधियों के अब पैरों से तले जमीन निकल जाएगी जब देख के युवाओं का जोश और बुजुर्गों का प्यार, ये बड़े बूढ़े माता बहनों ने इतना प्यार दिया है तो उन विरोधियों की नीचे से जमीन निकल जाएगी। दोस्तों नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं फरीदाबाद के गांव खादावली में और मेरे सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं सुरेंद्र सरपंच जी, जो कि आज अपने चुनावी दौरे पर आए हुए हैं गांव खादावली में। आज इनसे बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्ते सर, आज खादावली गांव में आए हैं, आपने दौरा किया है, कैसा समर्थन मिल रहा है? गांव खादावली की जनता का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जो इतना प्यार और सम्मान उन लोगों ने मेरे को दिया। मेरे लिए ये एक अपना सा गांव लग रहा है, जैसे मुझे अपने गांव में समर्थन मिल रहा है वैसे ही मुझे खादावली गांव से समर्थन मिल रहा है। और मैं आने वाली 22 तारीख के लिए गांव और हलका के लोगों से अपील करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालकर। सर कितने गांव आ रहे हैं आपके? मेरे 9 गांव आ रहे हैं जी। कौन कौन से गाँव है? गाँव खादावली है, गाँव कैली है, जाजरू है, शाहपुर है, नंगला जोगियान, प्याला, सागरपुर, सुनपेट और डीग, 9 गांव इसमें जो आ रहे हैं। सर सैकड़ों युवा आपके साथ हैं, बुजुर्ग भी हैं, नौजवान हैं, तो विरोधियों में तो खलबली मच गई होगी? हाँ, विरोधियों में तो खलबली पहले मेरे नाम से ही मची हुई है जी। वो किसी की बुराई नहीं करते, केवल सुरेंद्र सरपंच की बुराई करते हैं। जहाँ भी कोई जाता है वही सुरेंद्र सरपंच, सुरेंद्र सरपंच। 22 कैंडिडेटों में और कोई दिखाई नहीं देता विरोधियों को, केवल सुरेंद्र सरपंच दिखाई देता है। अच्छा हाँ, और विरोधियों के अब पैरों से तले जमीन निकल जाएगी जब देख के युवाओं का जोश और बुजुर्गों का प्यार, ये बड़े बूढ़े माता बहनों ने इतना प्यार दिया है तो उन विरोधियों की नीचे से जमीन निकल जाएगी। आने वाली 22 तारीख को लेकर जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? जनता से अपील करना चाहते हैं, एक तो ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालें, क्योंकि वोट प्रतिशत वोट मत हमारा जो है बहुत कम हो रहा है जिला परिषद और ब्लॉक समिति में। ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालें और अपील करता हूँ कि मेरे लिए ज़्यादा से ज़्यादा। सर आप सरपंच भी रहे हैं, तो आप किस प्रकार क्षेत्र का विकास कराएंगे? मैंने पहले भी कहा है कि मैं इस क्षेत्र का विकास शिक्षा के ऊपर सबसे ज़्यादा, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा इंसान हूं तो मुझे शिक्षा के क्षेत्र के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना, शिक्षा के बारे में ही विकास करना है। नौ गाँवों में, अपने वार्ड में शिक्षा क्षेत्र में ही विकास करना है। सुरेंद्र सरपंच जीतेगा, वह जीतेगा। तो शिक्षा को प्राथमिकता देंगे। सुरेंद्र सरपंच जी आज खादावली में दौरे पर आए हैं, लोगों ने गर्म जोशी से इनका स्वागत भी किया है और सैकड़ों युवा बच्चे नौजवान बुजुर्ग इनके साथ हैं। तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए बीएसएनएस पर। धन्यवाद।